इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सभागार में रविवार को हज ट्रेनिंग का आयोजन किया हुआ। मक्का और मदीना शरीफ में इबादत, ज़ियारत और ठहरने का तरीका, हज में फ़राइज, हज के 5 अहम दिन व हज का अमली तरीका बताया गया। शहर और देहात से आए हुए सैकड़ों लोगों ने हज के अरकान की बारीकियों को बताया गया। हज यात्रियों को घर से रवाना होने से लेकर लौट कर आने तक के सारे मामलों और आने वाली समस्याओं और उनके हल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। ट्रेनिंग में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर खालिद रजा आदमी, डॉक्टर अजीजुद्दीन सलीमुल्ला, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद परवेज लारी, शमीम अहमद सहित बड़ी संख्या में हज पर जाने वाले इस्लाम धर्म के अनुयायी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ट्रेनर एम अंसारी ने कहा, उसमें कोई हाजी सर कोई नमाजी को मैंने नहीं देखा कि मोबाइल लेकर के सबका फोटो खींच रहा हो। अपने मस्जिद में महल की जो छोटी सी मस्जिद है उसमें ऐसा नहीं करता है। हरम में हर आदमी बैठ के फोटो खींच रहा है, हरम का एहतराम नहीं कर रहा है, अपने मस्जिद में कर रहा है। हरम में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, अपने मस्जिद में जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। लोग जाते हैं नमाज पढ़ के चले जाते, कभी खुदा ना खास्ता हो गई वहाँ तो देखो बैठने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। मतलब बताया कि लड़ाई झगड़ा शर्त मना है ना, जिदाल अल्लाह के समय लड़ाई झगड़ा ना करना, हज नहीं होगा, हज कबूल नहीं होगा। तो वहाँ इतना फोटो खींचते, फिर अरफात में जहाँ दुआ कबूल होती है वहाँ पर देखा हाजी साहब हजीन साहब एक दूसरे का फोटो खींच रहे हैं, फिर ये हाजी साहब भाई सब दूसरे का फोटो खींच रहे हैं, बजाय दुआ मांग रहे हैं कि अरफात के अंदर बस फोटो ही खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्या मतलब क्या मजाक है अरफात का, हरम का, और मस्तूरात जान लें अच्छी तरह से। हिजाब होना बहुत बड़ा गुनाह है, उसमें उम्र का तकाजा नहीं। बहुत बड़ी गलती होती है हजी साहिबा से, बिला नकाब बिला हिजाब के मर्दों के पीछे बैठ करके फोटो खींच रहे हैं बिला हिजाब, अरफात में हरम में सब जगह बिला हिजाब। आप होगा तो अल्लाह से कहते कुछ नहीं है, तो फरमाया आप उन सब लोगों ने की नेकी वाले कैसे किया है, फरमाया जिसमें जो मासी से पाक हो जिसमें गुनाह ना होते हैं। आप हम गुनाह कर रहे हैं कि हिजाब और अपनी खुल रही है, बिना बोलते हम क्या उम्मीद रखते हैं, हज के मकबूलियत का क्या उम्मीद रखते हैं। ऐसे हाथी वो जब वापस आते हैं तो वही भाई को भैंस लड़ाते हैं, दूसरे का हाथ मारते हैं, कोई पता नहीं चल रहा, नमाज की पाबंदी नहीं रखते, अब नासिल हो जाती है, उसकी दुनिया बदल गई। तो ये बातें थोड़ी सी निर्वाचन जितनी थी। आपको क्वेश्चन हम बताइए, हाँ ये हलक मैंने बताया था, एक दूसरे का बना सकते हैं बात, लेकिन होता है। आज हज की ट्रेनिंग में हज के जो अरकान होते हैं, जो हज में काम करने होते हैं, उसके मतलब जानकारी दी गई। जैसे हज वहाँ पर तवाफ़ ज़ियारत कैसे करेंगे और सही कैसे करेंगे, फिर वो तवाफ़ वेदा कैसे करेंगे, ये जो हज में जितने काम हाजी करता है उस सब के बारे में पूरी जानकारी दी गई। और आज पूरी तौर पर हज की ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर दिया गया। हज में जाने वाले लोगों को क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, किस तरीके से? हाँ, हज में जाने वालों को ख़ास तौर से जहाज़ का भी सफ़र होता है, बसों का सफ़र होता है, इसमें कैसे सफ़र करें इसके बारे में जानकारी दी गई। फिर इनको पहले से टीका लगवाया जाता है, जो अभी नहीं लगाया है वो भी इनको लगवाना चाहिए। और वहाँ पर आपस में भाईचारा रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, दूसरे को हर मौके पर दूसरे को तरजीह दें, ताकि उसमें कोई एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट न होने पाए। और वहाँ पर जा कर के अपने लिए अपने तमाम इंसानों के लिए दुआ करें, अपने मुल्क की दुआ करें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें, इस सब बात की जानकारी दी जाती है। जो नहीं है आ पाए हैं और जो जा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करें? अब उनके लिए जो नहीं आए हैं और बात सुने नहीं हैं, तो उनको किताबें पहुंचा दी जाती हैं, किताबें दे दी गई हैं। और यहाँ बहुत से और ट्रेनिंग है, अभी एक ट्रेनिंग होगी स्टेट कमेटी की तरफ से जिसमें टीका लगेगा, तो उसमें करीब करीब सभी लोग आ जाते हैं, क्योंकि टीका ज़रूरी होता है, तो उसमें सब लोग आ जाते हैं, उनको फिर से ट्रेनिंग दे दी जाएगी।